रीवा में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह अपने एक दिवसीय प्रवास पर आज रीवा आएंगे, जहां वे रीवा एवं शहडोल संभाग के पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। अमित शाह करीब 2 बजे रीवा पहुंचेंगे और सर्किट हाउस में पहले से आरक्षित समय व्यतीत करने के बाद 3 बजे बैठक में पहुंचेंगे। गृह मंत्री के आने को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के सारे इंतजाम कर लिए हैं। मार्गों को परिवर्तित कर दिया गया है और सड़कों व चौराहों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। एसपी विवेक सिंह ने स्वयं मौके पर पहुंच सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। सर्किट हाउस से वृंदावन गार्डन तक पहुँच मार्ग में कड़ी सुरक्षा की गई और इस मार्ग को सामान्य अवगमन के लिए बंद कर मार्ग परिवर्तित किया गया है। जैसा कि ये प्रोटेक्टिव स्पेशल प्रोटेक्टिव में आते हैं यूनियन होम मिनिस्टर जी, और जिसको लेके पूरा पुलिस बल इसमें लगा है। हमें बाहर से भी अधिकारी और फोर्स मिला हुआ है, और जिसको लेके हम पूरा जो भी आवश्यक सुरक्षा संबंधी बंदोबस्त है वो पूरा इसमें मेंटेन किया गया है। और साथ ही साथ रीवा के नागरिकों से भी इसमें ये अपेक्षित है और अपील है कि कुछ समय के लिए उनकी सुविधा के लिए और कुछ मार्गों को हम डाइवर्ट करके रखेंगे। उसके संबंध में भी अभी न्यूज़पेपर वगैरह में भी बताया जाएगा, तो उसको भी ध्यान रखें ताकि किसी भी असुविधा से बचें। और बाकी जैसा कार्यक्रम है वो सारी चीज़ें बताया जाएगा। उस सारी चीज़ें डिटेल, क्योंकि पार्टी का कार्यक्रम है तो सारी चीज़ें डिटेल वहीं से आपको मिल सकती है। करीब हमने इसमें 3 मुख्य मार्ग हमने डाइवर्जन इसमें किए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।